अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आज हम ओक्टा कंसील टैंक ACT003 की आपको अनबॉक्सिंग दिखाने जा रहे हैं। तो ये थोड़ा, सबसे पहले हमें ये फुल फ्रेम में कंसील टैंकी मिलती है, जिसमें के ब्रास का टीका लगा होता है और ये एयर प्रेशर के साथ मूवमेंट करने वाला ये फ्लोट सिस्टम लगा है, ये आप देख सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि इसके साथ हमें कौन कौन सी एक्सेसरी मिलती है। तो इसका फुल आपको मुकम्मल डिटेल के साथ इंशाल्लाह बताऊंगा, आपने वीडियो के एंड तक देखना है। आप पहले हमें ये पुश बटन वाली प्लेट मिलती है, जिसको पाइप के साथ कनेक्ट किया जाता है। ये जो पॉइंट पीछे बने हुए हैं, इनको इस तरह से थोड़ा पाइप के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो ये एयर प्रेशर के साथ, यानी कि इसको दबाने से एयर का प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से वो फ्लोट वाल जो है मूवमेंट करता है। तो ये एक थिमल है, जिसको ड्रेनेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 4 इंच के पाइप में लगेगा और इस तरह से लगेगा इसके ऊपर, फिर क्लंप के जरिए टाइट हो जाएगा, यानी कि फिक्स हो जाएगा इसके ऊपर। और ऊपर वाली जगह पे इधर, यानी कि पानी का फ्लो इन होगा। तो ये थिमल है, ये एक मोटर जब लगाएंगे कि उसके साथ कनेक्ट होगा। और एक अदद ये पाइप है, ये भी ऊपर वाली साइड पे एक मोड में फिक्स होगा। और उसके बाद ये हमारे पास दो लॉक हैं, जो कि वो प्लेट इसको लगेंगे इसको फिक्स करने के लिए। और ये कुछ बोल्ट हैं, जो कि इसको हैंग करने के लिए लगेंगे। और उसके बाद हमें मिलते हैं ये दो राड, इसको आपने अगर लगाना है तो या दोनों बाहर वाले सराखों पे लगाना है या दोनों अंदर वाले सराखों पे लगाना है। आपने ऐसा नहीं करना कि एक तरफ बाहर लगा दें और दूसरी तरफ अंदर लगा दें। तो अगर आप उल्ट लगा देंगे तो उस सूरत में कमोड फिक्स नहीं होगा, पॉइंट को सीधा सीधा। तो उसके बाद हमें ये इस तरह का, ये फाइनली नट बोल्ट टाइट करने के बाद कमोड पे ये लगाया जाएगा। ये देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी इसकी गोल शेप है। और इसको कवर करने के लिए टैंकी के इस जगह पे लगेगा प्लेट लगाने से पहले। तो ये हम करते हैं अनबॉक्सिंग इसके बटन्स की। तो हमें इसमें मिलते हैं ये इस शेप के बटन। तो बटन है गोल शेप में, बहुत ही प्यारी लुक है, इसका क्रोम भी बहुत ही अच्छा है। और फाइनली बहुत ही अच्छा मटेरियल इस कंपनी ने दिया है हमें, यानी कि बहुत, ये कोई लोकल चीज़ नहीं, सब इम्पोर्टेड चीज़ें हैं, यानी कि बहुत ही अच्छी और आला क्वालिटी की चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई हैं। और ये बहुत ही अच्छा फीचर है इसका, एयर के साथ ये मूवमेंट वाला। तो अभी मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये इस तरह हम सिंपली इसके ऊपर चढ़ा देना है आपने। तो चढ़ाने के बाद फिर ये बटन को जब हम पुश करेंगे तो एयर का प्रेशर बनेगा और उसके ज़रिए वो मूवमेंट होगी अंदर से जो फ्लोर वाले की, यानी कि आप देखें ये इंतहाई सॉफ्ट है और इसको ऑपरेट करना बहुत ही इजी है। और आप अंदर से देख सकते हैं कि इधर के पुश करने से अंदर वो मूवमेंट हो रही है, यानी कि ये एयर प्रेशर के साथ काम करता है। तो इस तरह ये लग जाएगा, वो जो दो लॉक हमने आपको दिखाएंगे वो इधर लग जाएंगे, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं अभी दोस्तों आपको आरजी लगा के दिखा रहा हूँ कि इस तरह ये फिक्स होगा और ये प्लेट इस तरह से फाइनली इसके ऊपर लग जाएगी।